हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस के अंदर। एक केस लेकर आया हूं आपके लिए, बॉल्टन वर्सेस जॉन्स 1857 के अंदर ये केस आया था। केस को जानने से पहले एक बार एक कंसेप्ट को याद दिलाता हूँ बेटा। एक कंसेप्ट है ऑफर के टाइप्स, जहां हमने पढ़ा था एक जनरल ऑफर होता है, एक स्पेसिफिक ऑफर होता है। जनरल ऑफर हम लोग पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, मतलब कौन जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जिसको दिया जाता है किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को, जिनको आप गिन सकते हो, कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं। तो अगर स्पेसिफिक ऑफर दिया है तो एक्सेप्टेंस हमें कौन देगा? स्पेसिफिक बंदा जिसको हमने ऑफर दिया है। तो ये वाला केस कुछ इसी चीज पे बेस्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये केस है। बेटे एक पर्सन था बॉल्टन नाम का। उस बॉल्टन नाम के बंदे ने एक ब्रॉक नाम के बिजनेस को जो है वो खरीद लिया, बॉट कर लिया। ऑल वेल, ये जो ब्रॉक नाम का बिजनेस था, जॉन्स नाम का बंदा जो है वो ब्रॉक का क्या था, वो क्रेडिटर हुआ करता था। ऑल वेल, तो जॉन्स ने क्या किया, ब्रॉक को एक ऑर्डर दिया कि भाई आप कुछ गुड्स मुझे सप्लाई करो। जॉन्स ने, दोबारा कह रहा हूं, जे ने, जॉन्स ने ब्रॉक को, ब्रॉक एक बहुत ही अच्छा बिजनेस था, मतलब जॉन्स को उस ब्रॉक बिजनेस पर बहुत ही, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट था। तो जिसपे मुझे ट्रस्ट होता है, मैं ऑर्डर किसको दूंगा, उसी को दूंगा ना। तो जॉन्स ने क्या करा, ब्रॉक को ऑर्डर दिया कि आप मुझे कुछ माल सप्लाई करें। ऑलवेल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अभी क्या बताया कि ये जो बी नाम का बिजनेस है, ब्रॉक नाम का बिजनेस, वो बॉल्टन ने जो है वो खरीद लिया। तो अल्टीमेटली बॉल्टन ने बाद में क्या किया, बॉल्टन ने सप्लाई कर दिया गुड्स जो है वो जॉन्स को, लेकिन जॉन्स ने ऑफर दिया किसको था, वो तो ब्रॉक को दिया था, बट बॉल्टन ने गुड्स सप्लाई करा किसको, जॉन्स को, इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम, इवन दो ऑर्डर उसके नाम पर नहीं था। तो भाई क्या हुआ, बॉल्टन ने जॉन्स को गुड्स दिया, अब जॉन्स ने मतलब पेमेंट नहीं दी उस गुड्स की। बॉल्टन कह रहा, लाओ भाई मेरे पैसे दो। तो जॉन्स कह रहा है, मैं आपको पैसे क्यों दूं, आपके साथ तो मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, और यहां पर आपको तो मैंने ऑफर दिया ही नहीं, मैंने तो ब्रॉक को ऑफर दिया और गुड्स आपने मुझे भेजा है, तो फिर मैं आपके प्रति लाइबल नहीं हूं। एक तरीके से जॉन्स यहां पर बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब बॉल्टन ने बोला, भाई तू मेरे पैसे नहीं देगा तो मैं जा रहा हूं कोर्ट ऑफ लॉ। बॉल्टन पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट में जज साहब ने भी सारी सिचुएशन देखी। अब जज साहब ने जब सिचुएशन देखी तो जज ये भी देख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। अब ऑफर के लिए पहले मैं आपको ऑफर दूंगा तो आप मुझे एक्सेप्टेंस देंगे, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो। इस केस में जॉन्स ने ऑफर किसको दिया था, ब्रॉक को दिया था, बट एक्सेप्टेंस किसने दी, बॉल्टन ने। तो जब जॉन्स ने एक स्पेसिफिक ऑफर दिया है ब्रॉक को, तो बॉल्टन नाम का बंदा कौन होता है एक्सेप्टेंस देने वाला, ये बात कोर्ट के अंदर जज ने बोली, और जज ने ये केस का फैसला जॉन्स के हाथ में दिया। तो देखो यहां पर लिखा है, हेल्ड एज द ऑफर वॉज नॉट मेड टू बॉल्टन, देयरफॉर देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बॉल्टन एंड जॉन्स, ऑफर वॉज स्पेसिफिक, तो यहां जॉन्स लाइबल नहीं हुआ। ऑल वेल, उम्मीद करता हूं ये केस मैं आपको समझा पाया। ऐसे ही बहुत सारे और भी केसेस देखने के लिए आप मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।